खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। जिला प्रशासन मुहर्रम और मिनी उर्स की व्यवस्थाएं जल्द ही शुरू करेगा। मिनी उर्स में आने वाले जायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी उर्स और मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही दरगाह से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। खादिमों के संस्था अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि इस बार मिनी उर्स के दौरान जायरीन अधिक आने की संभावना है। अंजुमन सैयद जादगान की ओर से संयुक्त सचिव सैयद मुजफ्फर चिश्ती और अंजुमन शेख जादगान की ओर से अब्दुल जरार चिश्ती शामिल हुए। दरगाह कमेटी की ओर से नाजिम इम्तियाज पीरजादा, तरागढ़ दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदर मोहसिन अली सुल्तानी, दरगाह दीवान के प्रतिनिधि के रूप में सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आदि शामिल हुए। उर्स के दौरान पानी की नियमित सप्लाई, बिजली की आपूर्ति और नियमित सफाई आदि को लेकर चर्चा हुई। दरगाह क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क को लेकर भी आग्रह किया गया। उर्स के दौरान विशेषकर ताजिए की सवारी और जुम्मे की नमाज के दौरान आवारा पशुओं की रोकथाम को लेकर भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। झालरा की दीवार की मरम्मत का कार्य भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुहर्रम की 8 तारीख को बड़े ताजिए की सवारी और दशहरा एक साथ है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए कहा है। डीएम सिटी साहब ने आज प्रशासन के जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ मुहर्रम के उर्स का पुख्ता इंतजाम और उसके लिए करीब 1-1.5 घंटा सबसे बात की है। नाजिम के तौर पे मैंने भी जो मुद्दे दरगाह शरीफ को लेकर और ख़ास करके कार्ड विश्राम स्थली को लेकर जो मुद्दे होते हैं उस पर बात की है, जिसमें ख़ास करके सफाई, कार्ड में पार्किंग, वहाँ पर पानी का इंतज़ाम और दरगाह शरीफ में पुख्ता इंतज़ाम, जिससे लोगों को आने जाने में और वहाँ ज़ियारत करने में आसानी रहे, उसकी बातें की गई है। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के सभी विभाग इस काम में हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इस सौहार्द के मामले में अजमेर का एक अपना मिसाल रही है। वहाँ पर कभी भी इस तरह के दूसरे जगह पे होते हों तनाव, यहाँ पर कभी हुआ नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर हर साल की तरह और हर एक जो होता है त्यौहार वो जो बहुत अच्छे से सौहार्द के साथ मनाया जाता है दोनों कौमें और सभी के साथ उसी तरह से मनाया जाएगा, उसका पूरा मुझे यकीन। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।